फ्रेंड्स स्वागत करता हूँ और एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं पवन सहरावत के बारे में। पवन सहरावत एक ऐसे ज़बरदस्त प्लेयर है जो अपने खुद के रेडिंग के दम पर टीम को विन कराते हैं। सीजन 9 में पवन सहरावत को तामिल थलावज ने 2,26,00,000 में ख़रीदा था। आज तक का ये पूरा रिकॉर्ड है। सीज़न 1 से सीज़न 9 तक इतना प्राइस किसी कबड्डी प्लेयर को नहीं मिला। पवन सहरावत को तामिल थलावज ने 2,26,00,000 में ख़रीदा था। लेकिन सीज़न के फर्स्ट मैच, तामिल थलावज का जो फर्स्ट मैच था, उसी मैच में पवन सहरावत इंजर्ड हो गए और पूरे टूर्नामेंट के लिए बाहर हो गए। उनको लिगामेंट इंजरी हो गई थी। अब भी पवन सहरावत पूरी तरह फिट है। रिकवरी उन्होंने फास्ट की, सब एक्सरसाइज करके खुद को रिकवर कर लिया। ऑलमोस्ट अभी 1-2 महीने के बाद ही 70वां सीनियर नेशनल होगा। कंटिन्यू 4 साल से रेलवे लगातार सीनियर नेशनल का चैम्पियन रह चुका है और हर सीज़न पवन सहरावत ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया। अपने रीडिंग के दम पे रेलवेज को विन कराया है कंटिन्यू 4 साल से। मोस्टली 1 मंथ या 2 मंथ के अंदर ही 70वां सीनियर नेशनल होने वाला है और इसी बीच खबर आई है कि पवन सहरावत अभी रेलवेज के लिए नहीं खेलेंगे। तो ये क्या डिटेल है मैं पूरा आपको बताता हूँ। पवन सहरावत रिजर्व बैंक इंडिया में रिक्रूट हो गए एज अ ऑफिसर। पवन सहरावत के गुरुजी रणधीर सिंह सहरावत सर ने खुद इंस्टाग्राम, उनका जो अकाउंट है उस पर उन्होंने पोस्ट शेयर की है और पवन सहरावत को बहुत बहुत बधाइयाँ दी है। डायरेक्ट एज अ ऑफिसर रिक्रूट होने वाले पवन सहरावत पहले कबड्डी प्लेयर है जो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। आज तक कोई भी कबड्डी प्लेयर डायरेक्ट एज अ ऑफिसर रिक्रूट नहीं हुआ है। तो पवन सहरावत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रिक्रूट हुए हैं, तो इस वजह से पवन सहरावत अभी रेलवेज के लिए नहीं खेलते दिखाई देंगे आपको। तो सबके मन में यही है कि पवन सहरावत अगर रेलवेज के लिए नहीं खेलेंगे तो कहाँ से खेलेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, पवन सहरावत है दिल्ली से। दिल्ली में बवाना करके एक जगह है, बवाना दिल्ली से पवन सहरावत है। बवाना दिल्ली में पवन सहरावत रहते हैं, तो मोस्टली पवन सहरावत दिल्ली के लिए खेलते हुए नजर आएंगे क्योंकि पवन सहरावत RBI में रिक्रूट हुए रिजर्व बैंक इंडिया में और ऑल इंडिया बैंक का सा कोई टीम नहीं है जो सीनियर नेशनल में खेलता होगा, क्योंकि इतने साल में तो कभी मैंने देखा नहीं। तो जाहिर है कि पवन सहरावत दिल्ली के रहने वाले तो दिल्ली के लिए खेलेंगे। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि अभी दिल्ली की टीम कैसी होगी। लास्ट जो 69 सीनियर नेशनल हुआ था उसमें दिल्ली की टीम मैंने देखी थी, इतनी दिल्ली की टीम अच्छी नहीं थी। प्री क्वार्टर फाइनल में हार चुके थे दिल्ली। तो इस बार देखना बहुत ही दिलचस्प होगा, पवन सहरावत दिल्ली के लिए खेलते दिखाई देंगे अगर, तो फिर दिल्ली की टीम कैसी होगी, कौन से प्लेयर दिल्ली में खेलेंगे, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। तो देखते हैं जल्दी सीनियर नेशनल का अनाउंसमेंट हो जाए और मालूम पड़ेगा पवन सहरावत कहाँ से खेलेंगे। जैसे ही कोई भी अपडेट मिलेगा तो आपके साथ वो मैं शेयर करूँगा। ये बहुत ही स्पेशल न्यूज़ थी तो मुझे आपको देनी थी कि पवन सहरावत एज अ ऑफिसर रिक्रूट हुए रिजर्व बैंक इंडिया में। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कबड्डी के लिए भी और पवन सहरावत के लिए, लेकिन रेलवेज के लिए पवन सहरावत नहीं खेलेंगे। रेलवे की जर्सी में पवन सहरावत को देखने नहीं मिलेगा अभी आगे, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि पवन सहरावत एज अ ऑफिसर रिक्रूट हुए रिजर्व बैंक इंडिया में। तो देखते ही जैसे ही अनाउंसमेंट होगी 69 सीनियर नेशनल की, तो उसमें पता चलेगा पवन सहरावत कहाँ से खेलने वाले हैं। तो ये वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना। जल्दी मिलते कबड्डी के नए अपडेट के साथ, जो भी न्यूज़ आएगी कबड्डी की उसके बारे में वीडियो बना के आप तक शेयर करूँगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।